पानी में डूबा एक युवक की मौत, हत्या की आशंका। दरभंगा के बाजार समिति स्थित आज सुबह NH-57 को अली नगर के ग्रामीणों के द्वारा जाम कर दिया गया। मामला कुछ इस प्रकार का है कि आज सुबह अली नगर का एक युवक जिसका नाम रामबाबू उम्र 20 वर्ष बताया जा रहा है, वह अपने घर से कल दोपहर में ही निकला था, जिसके बाद से वह घर नहीं पहुंचा और आज सुबह बाजार समिति के पीछे डबरा के बगल में उसके एक पैर का चप्पल, सर का टोपी और दूसरी ओर उसके शरीर पर पहना हुआ शर्ट दिखने के बाद लोगों में, परिवार वालों में हड़कंप मच गया और परिवार वाले आशंका जताने लगे कि हमारे बेटे की हत्या कर पानी में डुबा कर मार दिया गया है। और वहीं परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि कल दिन में 12:30 बजे पड़ोसी युवक जिसका नाम मुंशी है उसके साथ निकला था, उसके बाद से मेरा बेटा घर लौटकर अभी तक नहीं आया। इसी को लेकर के आक्रोश में परिजनों ने NH-57 को जाम किया है और जाम लग गई है, जिसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचकर परिजन को समझाने का कोशिश की, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं थे। उनकी एक ही मांग थी कि पहले गोताखोर को बुलाया जाए और पूरे डबड़े में तलाश किया जाए हमारे बच्चे की, लेकिन NDRF गोताखार की टीम प्रशासन ने बताया कि झंझारपुर से आ रही है, थोड़ा समय लगेगा। वहां पर प्रशासन और स्थानीय समाज सेवियों के द्वारा परिवारजनों को समझाया गया, जिसके बाद परिवारजन मान गए और उसके बाद NH-57 को खोल दिया गया और लाश की तलाश अभी भी जारी है। कहाँ से बोले? कहाँ से? कहाँ घर है? घर घटना ऐसा ये हुआ कि मेरे गांव का एक मोहम्मदन है, मुंशी है। हाँ, वो ले गया उसको बुला के। किसको ले गया? मतलब मेरा भाई को। क्या नाम भाई का? राम बाबू नाम है। अच्छा, उसको ला जाके उसको सौ रूट खोल दिया, उसको मार के पोखरी में फेंक दिया। मुंशी मारा है? मुंशी मुंशी के साथ बाकी कौन मारेगा? अच्छा, बाकी कौन मारेगा? जिसके साथ जाएगा वही ना मारेगा। अच्छा अच्छा, कहाँ ले गया था उसको बुला के? बाजार समिति के पीछे ले गया उसको। मार दिया। क्या बोला? चाय के बहाना से? चाय के बहाना से जब मार के फेंक दिया है, तो चाय के बहाना से उसको बहाना आ गया कि हम उसको हम अपना साथ छोड़ दिए हैं।